कहाँ थे? सिंगल? अरे नहीं यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इन्हीं के बारे में तो आपसे बता रहा था। आपने कब? हे गाइस, एक बार फिर से हाजिर आपका अपना भाई यश चौधरी और मेरे साथ में अंजलि। तो गाइस मैं आपको बताया था कि अभी मेरे साथ प्रैंक में साथ देने वाली है। अगर वीडियो अच्छी बनी तो इनकी कॉफ़ी पक्का है। ओके बॉस? ओके। तो चलो हम चलते हैं लड़की के ऊपर प्रैंक करने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या करना है, सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। देखो रिक्वेस्ट कर रही है लड़की। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। हे हाय हेलो, यार आपने ऐसे हाई नहीं किया, मतलब वी आर फ्रॉम इंडिया ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये हाई नहीं है, बद्दुआ नहीं थी, आई जस्ट सेड हेलो। उदास क्यों बैठे हुए हो? ऐसे ही मन कर रहा था। इसने अच्छे मौसम में लड़कियां उदास ना अच्छे नहीं लगती। मौसम भी अच्छा है, मेरा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा सिर्फ तुम ही अच्छे हो। यार कसम से मैं खुश हो गया, इतनी अच्छी तारीफ। एक मिनट रुको, ये लाइन दोबारा बोलना, ये ना मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। हाँ बोलना, मैं अपने ना एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। बोलना दोबारा, मुझे लगा सिर्फ तुम ही अच्छे हो। अलग ही आए यार, ब्लश कर गया मैं तो आपकी बातों से। माय नेम इज यश। आपका नाम? कोई नाम नहीं है, बिना नाम के। बिना नाम के? तो तुम्हारा नाम खलनायक रख दे? जी नहीं, मेरा नाम अंजलि है। अंजलि है? राहुल वाली अंजलि नहीं, ये दूसरी वाली अंजलि, किसी और की अंजलि। माय नेम इज यश। यश और अंजलि मैच नहीं कर रहा ना? कोई बात नहीं, नया लेके आओगे। चलो यार, पता है ऑलरेडी 10 लड़कियों से बात कर चुका हूँ, 10 नहीं 11 लड़कियों से बात कर चुका हूँ मैं। 11 में से एक लड़की का नंबर एक्सचेंज हुआ, लेकिन जब मैंने उसे कॉल करा तो उसका नंबर ना स्विच ऑफ आया, बेइज्जती, और 10 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब तुम ना 12वें नंबर की हो। सच बता रहा हूँ मैं। बट यार पता है हुआ क्या, देखो अभी ना न्यू ईयर गया है, अब इतना बेकार न्यू ईयर गया है, इतना बेकार गया है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बता देता हूँ फिर भी, बोलो। बताओ, बता दो। ये बड़ा दिल दुखा हुआ है तुम्हारा। दिल तो मेरा भी दुखा हुआ है, लेकिन मैं इतना उदास नहीं हूँ जितनी आप लग रही हो। मैं पता, मेरे साथ पता क्या हुआ, मैंने न्यू ईयर से एक दिन पहले ना अपनी गर्लफ्रेंड को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। नहीं करना था ना फिर? अरे किया मैंने, सुन तो लो। मैंने सोच 30 को किया उसको, फिर मैं 31 का प्लान बना रहा था। उन्होंने कहा ठीक है कल हम घूमने चलेंगे, ओली में स्नोफॉल हो गया है, तो हमने ओली का प्लान बनाया। अगले दिन मेरे दिल पे ना ओले पड़ गए। मैंने जैसे उसको फ़ोन करा, ब्लॉक, हर जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में वो ओली में जाके किसी और के साथ स्टेटस लगा रही है। अब सोचो यार मेरे दिल पे क्या बीती होगी। मेरा न्यू ईयर इतना ख़राब गया, इतना ख़राब गया, लेकिन मैं, मेरे अंदर का सच्चा मर्द, सख्त लौंडा, रोया नहीं मैं, बिल्कुल नहीं रोया। हाँ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था अपना न्यू ईयर अच्छा कैसे करूँ। ये कुत्ते गवाए मेरी लव स्टोरी के, जो ये भौंक रहे हैं ना, ये उस पर भौंक रहे हैं। ये कुत्ते उस पर भौंक रहे हैं, हर एक एक कुत्ता जानता है मेरी लव स्टोरी। ये उसको बददुआएं दे रहे हैं। अब कोई करता है किसी के साथ में, बेशक यार न्यू ईयर के 2 दिन बाद ब्रेकअप कर लेती है अगर तुझे करना है, लेकिन उसका प्रोग्राम पहले ही किसी और के साथ सेट था। यार मेरे साथ भी यही हुआ है। मतलब उसने भी किसी और के साथ न्यू ईयर बनाया है। तो तुम, लेकिन तुम तो रोई हो ऐसा लग रहा है यार, तुम्हारी आंखों से भी, आवाज में भी तुम्हारे वो आंसू बह रहे हैं ऐसा लग रहा है। मेरा मस्कारा बहुत महंगा है। तुम मस्कारा बहुत महंगा है। नहीं यार अच्छे हो यार आप, सच में ऐसा हुआ है? मेरी स्टोरी सुनने के बाद बोल रहे हो? ऐसा हुआ यार। पता मैंने सोचा था चल यार एक कॉफी तो मुझे मिल जाती कम से कम, एक न्यू ईयर पे एक कॉफी, जैसे आमने सामने बैठ के एक फीलिंग होती है ना। मैंने ओयो भी नहीं सोचा था, मैंने एक कॉफी सोची थी कि चल हाँ एक सामने बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा किसी अच्छे से कैफ़े में। वो भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे घर पे चाय बनानी पड़ी। कॉफ़ी भी नहीं बनाई, चाय बनानी पड़ी। यार ऐसा होता है ना कभी कभी, देखो 2 लोगों की स्टोरी बिल्कुल सेम है, यकीन सा नहीं हो रहा मुझे। होता है ऐसा। तो अब तुम किसी को सर्च वगैरह नहीं कर रहे? मैं तो कर रहा हूँ। नहीं सर्च नहीं कर रही, अब सर्च करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा मैं आ गया इसलिए कम हो रहा है थोड़ा सा दर्द? नहीं अब मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। अब दर्द ही नहीं हो रहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई मेरे इंतजार में बैठा है। वैसे हमारी चॉइस कहीं ना सेम है। आई एम ऑल्सो इन ब्लैक एंड यू ऑल्सो इन ब्लैक एंड यू आर वेयरिंग वाइन कलर ऑफ बैली शो स्लीपर एंड आई एम वेयरिंग वाइन कलर ऑफ टी शर्ट। नाइस यार, तो आई थिंक हमारा ये ना एक परफेक्ट मैच है। मुँह टेढ़ा करना है ऐसा हल्का सा, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक परफेक्ट मैच है। या व्हाट आई एम थिंकिंग, हमें ना एक दूसरे को जानना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा बातें करनी चाहिए हमें। ठीक है, करो बातें, करें बातें। तो सबसे पहले हम सोचते हैं यार बारिश होने वाली है, कैन आई हैव योर नंबर मेरा? हाँ, ताकि हम कॉल पे बातें कर लेंगे ना, बारिश भी होने वाली है ना। आप मुझे, मैं आपको कॉल करूँ, फिर आपके कॉल बिजी जाएं? नहीं, पक्का नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, सीरियसली नहीं जाएंगे। टाइप योर नंबर यार। बोलो, मुझे खुशी सी हो रही है कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं। योर नेम इज अंजलि। नाइस। आप यशी सेव कर लेना। ओके, आ गई ना? गुड, इट्स माई नंबर, सॉरी। ठीक है, ब्लॉक कर दूं? अरे पागल हो गया, रिपोर्ट कर। नहीं नहीं कुछ नहीं करना यार। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, नहीं ना सुन यार, दिल तोड़ रहे तुम अभी जोड़ने के बाद में। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे ना बाहर कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे बारिश भी होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि कॉफ़ी शॉप पे जाके थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पीते पीते बात करें। वहाँ पे अच्छा लगेगा ना, एटलीस्ट हमारा न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हो जाएगा। व्हाट डू थिंक? एंड ये मेरी इस साल की फर्स्ट कॉफ़ी होगी और मुझे खुशी है कि आपके साथ है। नाइस, यकीन नहीं हो रहा यार। गाल पे कैसे करना मेरे? ओए सच में हो तुम? और इधर चलते हैं ना, यहाँ से इधर स्टारबक्स से इधर सीसीडी है, इधर चलते हैं। ओके ओए, चले बेबी। ओ बेबी, हाँ, कहाँ थे? सिंगल? अरे नहीं यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इन्हीं के बारे में तो आपसे बता रहा था। आपने कब बताया मुझे? आपने मुझे कहा कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। नहीं, मैंने कब कहा मेरा ब्रेकअप हुआ है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ये ऐसा सही है? हम कॉफी का वेट, मतलब मैं तो इन्हीं का वेट कर रहा था ना। मैंने कहा था ना मैं आधे घंटे में आने वाली हूँ। हाँ, तो ये आ गए। इन्हीं के बारे में तो बता रहा था मैं, इन्हीं का तो वेट कर रहा हूँ। तुम मेरे पास क्यों आए थे? इनका वेट कर रहा था ना। मैं बताती हूँ, मैंने इनको बोला कि मुझे आधे घंटे में काम है, तो तुम्हें जो करना है करो। अब इसने पता नहीं क्या किया, बट ठीक है। इन्होंने तो मुझे बताया था सामने ब्लैक कलर की लड़की बैठी है, तुम उसके पास जाके टाइम पास कर सकते हो आराम से। यार मैं कर टाइम पास वाली दिखती हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इतनी प्यारी बंदी छोड़ सकता हूं? यार तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ऐसा अरे नहीं, मेरी बात, अरे सुन तो लो, वेट वेट वेट, एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप हमारे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, सुन तो लो यार। वी आर डूइंग प्रैंक यार, वी आर डूइंग प्रैंक। माय कैमरा इज ओवर यार, तो इतना गुस्सा नहीं करता। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो यार। हाय तो कर दो यार। इनका मूवी देख लो भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कॉफी में इनके साथ, बिल्कुल इनके साथ पी लेना यार, इन्हें ले जाओ यार। आज चलो यार, आ जाओ यार। हाय तो कर दो यार। बाय। इतनी प्यारी बंदी छोड़ सकता हूँ मैं, बताओ? नहीं ना, छोड़ सकते हो। अरे